जन आक्रोश यात्रा में दो मिनट के वीडियो ने उड़ाई शिवराज की नींद। मध्य प्रदेश भाजपा में आया भूचाल, मची अफरा तफरी। आपको बताते चले, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है और बीजेपी को मात देने कांग्रेस हर जिले में जन आक्रोश रैली निकाल रही है। और ऐसे में बुधवार को कांग्रेस की जन आक्रोश रैली उज्जैन में निकली। यहां पर एक दिलचस्प सीन देखने को मिला। आपको बता दें, जन आक्रोश रैली में शामिल होने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी भी पहुंचे थे। यहां पर जीतू पटवारी अपनी बाइक पर दिग्विजय सिंह को पीछे बैठाकर घूमते हुए दिखे, तो लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब आपको बता दें कि जीतू पटवारी की बाइक के पीछे दिग्विजय सिंह बैठे थे और शेष कार्यकर्ता साथ साथ चल रहे थे। जब ये सीन जन आक्रोश रैली में देखने को मिला तो लोगों को कुछ साल पहले का वो सीन याद आ गया, जहां जब जीतू पटवारी ने इसी तरह से बाइक पर बिठाकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को घुमाया था। दरअसल मौका मंदसौर में किसान आंदोलन की बरसी 8 जून 2017 का था, जिसमें वे अपनी बुलेट में राहुल गांधी को बिठाकर जा रहे थे और पुलिस वाले उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पीछे भाग रहे थे। आपको बता दें, दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस के अंदर कई बार ऐसी खबरें भी सामने आई कि जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि जीतू पटवारी ने हमेशा ही दिग्विजय सिंह को अपना शुभचिंतक और गार्जियन बताया है, लेकिन मीडिया से इस तरह की अटकलें खूब लगाई जाती रही हैं। ऐसे में बाइक पर जीतू पटवारी के साथ दिग्विजय सिंह किस तरह से घूमने के सीन सामने आने के बाद इन अटकलों पर काफी विराम लग सकेगा। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर।